गुजरात एटीएस ने વધુ એક સફળતા હાથ લાગી છે। गुजरात એટીએસે ડ્રગ્સ ઝડપવા મામલે નવી દિલ્હીમાં સૌથી મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। મહત્વનું છે કે ગુજરાત એટીએસે સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા આપવામાં આવેલી બાતમીના આધારે વાહિદુલ્લા રહીમુલ્લા નામના અફઘાની સમની 4 કિલો હેરોઇન સાથે દિલ્હીના વસંતકુંજ વિસ્તારમાંથી ધરપકડ કરી લીધી છે, જેની અંદાજિત કિંમત રૂપિયા 20 કરોડ આંકવામાં આવી રહી છે। तारे कही शकाय के गुजरात एटीएसे हवे राज्य बहार थी पण ड्रग्स ना कारोबारीओने झड़पी रही छे। बीजी बाजु ड्रग्स विशे जो गुजरात नी वात करीए तो गुजरात ड्रग्स नु हब बन्यो छे। अत्यार सुधी मां चालू वर्ष मां 100 थी वधु ड्रग्स पेडलरो फक्त अमदावाद मांथी झड़पाया छे। गुजरात नु अमदावाद शहर ड्रग्स ना नेटवर्क नु हब बनी गयु छे। ड्रग्स माफियाओ पर अलग अलग एजेंसीओ तवाई बोलावीने ड्रग्स पेडलरो अने ड्रग्स डीलर ने पकड़ी रेकॉर्ड ब्रेक गुना नोंध्या छे। काम करता है ना, हाल में एसीपी सूरत क्राइम ब्रांच में काम करता है भावेश रोजिया डीवाईएसपी है, ये बातमी आपेल थी कि दिल्ली में एक वहीदुल्ला रहीमी करीने मानस है जे कि मूल अफगानिस्तान रो रहवासी है अने दिल्ली एनसीआर एरिया नी अंदर मोटा प्रमाणे ड्रग्स नो धंधो करी रहेल छे। अने ए बातमी ने डीवाईएसपी रोजिया द्वारा फर्धर डेवलप करवामां आवेल अने डीआई साहेब ने ए माहिती आपवामां आवेल कि गई जे 2 तारीख छे एना रात्रे 11 वागे नी आजूबाजू टेरी इंस्टिट्यूट से बसंतकुंज विस्तार में ए विस्तार में एक जत्था मोटो जत्थो डिलीवरी करवाड़ो है। ये बातमी आधार अमार गुजरात एटीएस की टीम में डीवाईएसपी बीएच चावड़ा, पीआई एसएन परमार, पीआई कोराट, पीएसआई एसके ओडेदरा अने सूरत सीटी क्राइम ब्रांच पीएसआई वी ए डोडिया ए बड़ी जो टीम थी संयुक्त एटीएस अने सूरत क्राइम ब्रांच की ए टीम दिल्ली पहुँची। दिल्ली पहुँची ने दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने साथ राखी अने जे इन्फॉर्मेशन मुजबनी जे हती डिटेल्स ए जगह पर जावीने रेड करी। ए जगह पर रेड करता ए जे वहीदुल्ला रहीमी है